समझदार को इशारा काफी कि अपने धर्म में मर जाना लेकिन दूसरे के यहाँ माथा नहीं टेकने। क्या भगवान की कमी है अपने यहाँ? भोलेनाथ मंदिर में जाओ, शिव परिवार दर्शन करो, राम जी के दर्शन करो, हनुमान जी के दर्शन करो, लेकिन इनको तो ले दे के मुर्दा नजर आए गड़िया तक, उनके जाई नहीं चढ़ो। खुद भी और अपने बाल बच्चों को भी इन चादर और फादर से अलग रखना हो, नहीं तो फिर भूत लोग को पात भाई जिन्हें भूत की आस। कौन है वो भूत प्रेत? तो है वो जो गड़े, उन भूतों को पूजोगे तो भगवान ने गीता में कहा है कि देव लोग को पात वही जिन्हें देव की आस और भूत लोग को पात वही जिन्हें भूत की आस। आप भूतों को पूजोगे तो आपकी इच्छा तो पूरी हो जाएगी। आप भूतों को पूजोगे कि हे भगवान, हे बाबा, चादर चढ़ूंगा आपके यहाँ, एक बेटा मिल जाए तो बेटा भी मिल जाएगा, लेकिन वो भूत के गुण वाला ही रहेगा, प्रेत के गुण वाला ही रहेगा, वो सत्कर्म करने वाला नहीं रहेगा। भूत से वरदान मांगोगे तो वो भूत जैसी औलाद देगा, वो देवता जैसी औलाद नहीं देगा। और बुढ़ापे में माथा पकड़ के रोया करना, है भगवान ऐसी भिंडी औलाद से तो बांझी अच्छा।